क्या नाम है दीदी? शर्मिली। हेलो राहुल भैया, शर्मिली दीदी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ठीक है, अभी गिफ्ट देंगे, दे दो भैया गिफ्ट, दे दो। अभी ये दीदी हैप्पी रक्षाबंधन बेटा, सभी दीदी लोगों को रक्षाबंधन। नाम बोल, नाम बोल। थैंक यू बहुत जब है अरे दीदी रुक जाओ, हाय देख, हाय हाय फोटो आ रही देख। अरे थैंक यू बोल भाई ना, मिले ना चॉकलेट, बच्चों को चॉकलेट। राहुल भैया ने दिया गिफ्ट, ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू राहुल भैया। अरे थैंक यू, मजा आया राहुल भैया जी? आज आपने यहाँ पे बच्चों को आपने बच्चों को आके यहाँ पे गिफ्ट और चॉकलेट बांटे, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमेशा से मैं करता आया हूँ, जब से मैं छोटा बच्चा रहा हूँ तब से मैं हमेशा से करता आया हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था हमेशा राखी हो चाहे दिवाली हो मैं अपने घर के बाहर जाके बैठ जाता था और सबके साथ सेलिब्रेट करता था, लोगों को विश करता था, तो हमेशा अच्छा लगता था। प्लस इस बार रीज़न डबल हो गया है क्योंकि आप आए हैं हमारे साथ मेरी खुशी में शामिल होने के लिए और हम सबके साथ। प्लस अभी रिसेंटली मैंने और मेरी फैमिली ने अपना फाउंडेशन भी खोला है, बाबा बरबड़ी फाउंडेशन, जिसके थ्रू हम लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनके साथ घुल मिल के सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। तो बस वही करना है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है और इतनी सारी राखियाँ बंधवाई हैं। बच्चों ने आपको बहुत सारे ब्लेसिंग दिए, बहुत सारे आपसे बात की, क्या बातें कर रहे थे आप बच्चों से? मैं उनसे वही पूछ रहा था, नाम वाम पूछ रहा था, पूछ रहे थे कैसे हो, बहुत बहुत प्यारी सी स्माइल है बहुत लोगों की, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा था, बस वो मेरी तारीफ कर रहे थे मैं उनकी तारीफ कर रहा था। और एक मैंने ये कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी याद करो मैं इस तरह बाजू में ही रहता हूँ, मैं हमेशा आते जाते मिलते भी चला जाऊँगा, कुछ हेल्प लगा तो मैं हमेशा आप लोग के खड़ा हूँ। ऐसा डार्लिंग की तैयारियाँ चल रही हैं, डार्लिंग आने वाली है, डार्लिंग एक्टर आउट करना जी। तैयारियाँ बहुत अच्छी से चल रही है, शूटिंग कम्प्लीट हो चुका है, बस अब एडिटिंग चालू है और एडिटिंग ख़त्म होकर डबिंग करके फिर मूवी आप सबके सामने है।